हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एक्टोकार्पस में लैंग्वेज जेन, मतलब कि हमने पिछले वीडियो में इसका एलिमेंट जेनम देखा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अधिकांश जातियां इसकी असमयोगी की होती है, मतलब जो इसके मोस्टली जातियों में किस प्रकार का लैंगिक जनन मिलेगा, असमयुग्मक की प्रकार का, ठीक है। मतलब कि इसके जो मतलब गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, उनमें भाई या तो कारकीय या अकारकीय विविधता पाई जा सकती है, ठीक है। अधिकांश बोला है, सभी में नहीं, अधिकांश में। अब पहला नंबर देखेंगे हम युग्मक धान्य और युग्मक। देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि युग्मक बन रहे हैं तो वो बनेंगे भी कहाँ, युग्मक धान्यों में, ठीक है। तो युग्मक धान्य भाई, युग्मकों का निर्माण कहाँ होगा, बहुकोष्ठीय युग्मक धान्यों में होता है। जो बहुकोष्ठीय युग्मक धान्या है उनमें युग्मकों का निर्माण होगा। इसमें बनने वाले युग्मक कैसे होंगे, युग्मक गतिशील मतलब कि मोटाइल होंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकेंगे। द्विकशाभिक व वृक्काकार होते हैं। द्विकशाभिक वही, उसपे दो कशाभिकाएं होंगी, और वृक्काकार का मतलब है किडनी शेप के होंगे। युग्मक धानिया अव्रंत अथवा सव्रंत होती है। थैलस पर जो युग्मक धान्य लगी होती है वो किसी एक व्रंत जैसी संरचना, मतलब कोई व्रंत जैसी संरचना द्वारा या फिर डायरेक्टली उस थैलस से जुड़ी हो सकती है, ठीक है। इनका निर्माण भी पार्श्व उपशाखाओं के शीर्षस्थ कोशिका में होता है। किसमें होगा, हमने जैसे इसका अलैंगिक जनन देखा था तो हमने उसमें जो बीजाणु धानियां बनाई थी, ठीक है, तो वो उनका निर्माण कहाँ हुआ था, वही किसी भी शाखा की शीर्षस्थ कोशिका में, ठीक है। कोई भी शाखा है या उपशाखा है उसमें क्या होगा, उसका जो शीर्षस्थ भाग होगा, किनारे वाला भाग होगा, वो युग्मक धान्य की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो क्या हुआ, जो शीर्षस्थ कोशिका है वो थोड़े आकार में वृद्धि कर लेती है, ठीक है। आगे देखिए, अब वो जो बढ़ी हुई आकार की जो शीर्षस्थ कोशिका है वो ही क्या करेगी, युग्मक धानी प्रारंभिक का काम करने लगेगी, ठीक है। युग्मक धानी प्रारंभिक का काम करने लगेगी, उसके बाद में क्या होगा, इसमें कुछ विभाजन होंगे और क्या होगा, लगभग 6 से 12 कोशिकाओं की एक चेन बन जाएगी या श्रृंखला बन जाएगी। आगे देखिए, इन 6 से 12 सेल्स में क्या होगा, विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण क्या बनेगा, इसमें कई 100 घनाकार कोशिकाएं, मतलब कि इसमें बहुत सारी क्यूब शेप्ड सेल्स बन जाएंगी। आगे देखिए, ये सेल्स 20 से 40 अनुप्रस्थ स्तरों में व्यवस्थित हो जाती हैं। मतलब ये जो बहुत सारी कोशिकाएं बनी है, लगभग 20 से 40 लाइनों में इस तरीके से ऊपर नीचे व्यवस्थित हो जाएंगी। आगे देखिए, प्रत्येक खंड का एक केंद्रकीय जीव द्रव्य कायांतरित होकर एक द्विकशाभिक युग्मक बनाता है। भाई क्या हुआ, जो ये सेल्स बनी है इनका जो कशाभिकाओं वाला ये जो जीव द्रव्य है, नहीं अभी तक इसमें कोई कशाभिका नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इन प्रत्येक कोशिका में कशाभिका जनरेट हो जाएगी। सॉरी, प्रत्येक खंड का एक केंद्र की जीव द्रव्य, मतलब कि इसमें क्या है, एक केंद्रक है, कायांतरित होकर एक द्विकशाभिक युग्मक बना लेता है। इस पे क्या होगा, दो कशाभिकाएं आ जाएंगी और ये किसके रूप में बिहेव करने लगेगा, युग्मक के रूप में बिहेव करने लगेगा। आगे देखिए, इनका विमोचन युग्मक धाने के शीर्ष पर उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। भाई युग्मक तो बन गए, तो विमोचन कैसे होगा, वही जो हमने चल बीजाणु और ये सब बनाए थे ना, इन्हीं की तरह कैसे होगा, इनके जो युग्मक धानी होगी उसके शीर्ष पर क्या होगा, एक छिद्र बन जाएगा, ठीक है, और उस छिद्र से क्या होगा, उन युग्मकों का विमोचन हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्यतः एक ही तंतु पर अथवा अलग अलग युग्मक धानियों में बने युग्मकों का संलयन होता है। भाई क्या हुआ, नॉर्मली क्या होगा कि एक ही तंतु पे दो अलग अलग प्रकार की युग्मक धानियां हो सकती है, जिसमें एक में नर युग्मक एक में मादा युग्मक का निर्माण हो जाए, या फिर क्या होगा,
या तो ये एक ही शाखा पर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जिनमें जो शरीर क्रियात्मक असंयुग्मकता पाई जाती है उनमें क्या हो सकता है कि भाई ये दोनों प्रकार के युग्मक धानियां अलग अलग तंतु पर, अलग अलग तंतु से मतलब नहीं है, अलग अलग थैलस पर भी पाई जा सकती है, जिनको अपन प्रभेद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जिनमें शरीर क्रियात्मक असंयुग्मकता पाई जाती है उनमें दो अलग अलग प्रभेद, ठीक है, दो अलग अलग प्रभेदों वाले तंतुओं पर युग्मक का निर्माण देखा जाता है। भाई अब हमने यहाँ पे क्या है कि जो ये असंयुग्मकता है दो प्रकार की हो सकती है, शरीर क्रियात्मक भी हो सकती है और एक एक ही भाई इस पे इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, जो इस प्रकार के दो अलग अलग प्रभेदों में जो युग्मक बनते हैं ना उनमें तो आकारिकीय रूप से मतलब कि देखने में फिजियोलॉजिकली अंतर पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग थैलस पे दो अलग प्रभेद वाले तंतुओं में युग्मक धानियों में युग्मक बने हैं तो दिखने में मतलब कि शरीर क्रियात्मक रूप से अलग तो होंगे ही, ठीक है, जबकि इनमें क्या होता है, जब थैलस ही एक है और बस सिर्फ युग्मक धानी तो अलग है, थैलस तो सेम ही है तो उसमें युग्मक भी सेम ही बनेंगे, तो इसमें दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो सकता है। देखिए हमने कहा था यहाँ पे अधिकांश जातियां असंयुग्मकी, ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या होगा भाई, जब युग्मक आपस में आके मिल चुके हैं तो अब क्या होगा, निषेचन होगा। स्त्री युग्मक के चारों ओर अनेक सक्रिय नर युग्मक एकत्रित हो जाते हैं। भाई स्त्री युग्मक जो हमारा बना है उसके चारों ओर क्या होंगे, अनेक मतलब बहुत सारे जो स्त्री युग्मक है वो एकत्रित हो जाएंगे। ये नर युग्मक अपनी अग्र दीर्घ कशाविका द्वारा स्त्री युग्मक से जुड़ जाते हैं। हमने बोला कि इनमें क्या होती है, दो कशाविकाएं होती है और वो भी असमान आकार की, तो इसमें जो आगे वाली जो लंबी कशाविका होगी अग्र दीर्घ कशाविका द्वारा स्त्री युग्मक जुड़ जाते हैं। इस अग्र दीर्घ कशाविका द्वारा जो नर युग्मक होगा वो जाके किससे अटैच हो जाएगा, स्त्री युग्मक से अटैच हो जाएगा। कुछ समय बाद भाई क्या होगा, कुछ समय तो ये इसी स्टेज में स्टे करेगा और उसके बाद में एक नर युग्मक की कशाविका संकुचित होगी। भाई अभी क्या है, मान लो एक कोई मादा युग्मक है ये और कशाविका के थ्रू दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब इनके बीच में कनेक्शन कैसे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नर युग्मक जो है ये अपनी कशाविका को समेट लेगा और इसके ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये संकुचित हो जाएगी कशाविका तो फिर क्या होगा, स्त्री युग्मक से संपर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, जब स्त्री युग्मक से संपर्क हो जाएगा तो इनमें संयोजन होगा मतलब कि फ्यूजन होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए यहां से हमने दो रास्ते बनाए हैं, क्या क्या, जैसे ही संयोजन होगा वैसे ही बाकी के जो नर युग्मक इससे जुड़े हुए थे मादा युग्मक से वो सब अपने आप फ्री हो जाएंगे। लिखा है शेष नर युग्मक अलग होकर स्वतंत्र तैरने लगते हैं, ठीक है, किसी दूसरे युग्मक की तलाश में ये क्या होंगे, अलग होकर मुक्त रूप से तैरने लगेंगे। अगला देखिए भाई, संयोजन हो गया, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास अभी युग्मनज का निर्माण हो गया है, ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, युग्मनज का अंकुरण होगा, तो युग्मनज का अंकुरण देखेंगे। अंकुरण निषेचन के तुरंत बाद होता है, जैसे ही निषेचन होगा उसके तुरंत बाद क्या होगा, अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, अंकुरण होने के बाद में इसमें क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे और विकसित थैलस द्विगुणित होगा। भाई चूंकि ये समसूत्री विभाजन से बन रहा है, ठीक है, तो इससे बनने वाले थैलस भी कैसे होंगे, द्विगुणित प्रकार के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्त्री युग्मक के चारों ओर बहुत सारे जो नर युग्मक आके जुड़ जाते हैं या फिर एकत्रित हो जाते हैं, इस जो ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं अपन पुंजी भवन, ठीक है, क्लंप फॉर्मेशन, चित्र द्वारा दिखाएंगे। ये चित्र देखिए, यहाँ पे ये एक
मादा युग्मक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये एक मादा युग्मक है और ये बहुत सारे नर युग्मक है, ठीक है। ये देखिए, ये अपनी कशाभिकाओं के द्वारा किससे जुड़े हुए हैं, मादा युग्मक से जुड़े हुए हैं। इधर देखिए, इसने अपनी कशाभिका को समेट लिया है और इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है। यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियाई मतलब कि केंद्रक एक एक ही युग्मक के अंदर मतलब मादा युग्मक के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे संयोजन होके दोनों युग्मकों का क्या बन गया है, जायगोट मतलब कि युग्मज बन गया है, ठीक है। एक्टोकार्पस के लैंगिक जन्म में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में।